नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सब लोग। आपका फिर से आपके अपनी चैनल एलएस लाइटिंग में फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने देखा था मोशन सेंसर की मदद से आप एक सेफ्टी डिवाइस कैसे बना सकते हैं और आप अपने घर और दुकान को कैसे सेफ कर सकते हैं। तो आज इसकी वीडियो में हम लोग अलग जानकारी लेके आए, जिसका नाम है म्यूजिक बल्ब, ब्लूटूथ बल्ब। तो क्या है ये ब्लूटूथ बल्ब, क्या है इसकी खासियत, क्या आज सब कुछ जानेंगे इस वीडियो के अंदर। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलते हैं अपने वीडियो पे और दिखाते हैं आपको एक म्यूजिक बल्ब, ब्लूटूथ बल्ब क्या है। आइए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये है म्यूजिक बल्ब, जिसको बोलते हैं ब्लूटूथ बल्ब। तो आइए इस बॉक्स को ओपन करके देखते हैं कि क्या क्या आता है इस बॉक्स के अंदर। तो ये बॉक्स कर दिया हमने ओपन। तो इसके अंदर दोस्तों एक रिमोट आता है। क्या है रिमोट, मैं इसके बारे में आपको डिटेल में बताता हूँ कि क्या इस रिमोट होता है, इससे क्या आप कर सकते हैं। और मेन चीज़ होती है दोस्तों ये बल्ब, म्यूजिक बल्ब। अब देख सकते हैं बहुत बढ़िया क्वालिटी है इसकी। इसका B22 कैप भी सही है, मस्त है। जो इसकी बॉडी है अच्छा प्लास्टिक है, प्लास्टिक की बॉडी है लेकिन बहुत अच्छा प्लास्टिक है। और ये जो ऊपर आपको दिख रहा है दोस्तों, ये है स्पीकर। स्पीकर की वजह से ही आप जो भी गाना बजाना चाहते हैं, आप अपने मोबाइल के अंदर इसको पेयर करके आपका मनपसंद गाना आप एक बल्ब में बजा सकते हैं। और साथ में इसके अंदर लाइट तो आती है, तो लाइट प्लस इसके अंदर स्पीकर आएगा, इसके लिए इसको बोलते हैं म्यूजिक बल्ब। तो आइए दोस्तों, अब इस बल्ब को टेस्टिंग कर लेते हैं कि किस तरह से काम करता है। इसका पूरी डिटेल में आपको समझाता हूँ इस वीडियो में। तो सबसे पहले अपना जो ये बल्ब है उसको होल्डर में फिक्स कर देंगे, तो इसमें से आवाज़ आ गई, मतलब बल्ब अभी पूरी तरह से कंप्लीट चालू है ऑपरेशन करने के लिए। तो कैसे अभी देखेंगे कि इस रिमोट को कैसे हमको इसके साथ में कैसे चलाते हैं। तो सबसे पहले ये करने से पहले आपको क्या करना है कि आपका जो भी मोबाइल है उसको इस बल्ब के साथ में पेयर करना पड़ेगा। ब्लूटूथ, इसकी कनेक्टिविटी ब्लूटूथ है, तो आपको ब्लूटूथ के साथ में इस बल्ब को पेयर करेंगे। तो कैसे पेयर करना है चलिए वो भी देखा जाए। तो मैं मेरा मोबाइल लेके आता हूँ। तो ये अपना मोबाइल है, मोबाइल में सबसे पहले हम लोग जाएंगे ब्लूटूथ में। ये हो गया है ब्लूटूथ। तो दोस्तों ब्लूटूथ, जैसे आप ब्लूटूथ में जाएंगे तो सब डिवाइस आएंगे। तो हमको इस पर सबसे पहले करना है सर्च। कहीं सर्च कर लिया है दोस्तों। तो इसमें जो भी दिख रहा है पेयरिंग का, जो अलग डिवाइस का नाम आता है, जैसे कि इस बल्ब का नाम है यहाँ पे JKS ZSY, वो वाला है। तो इसके ऊपर हम लोग क्लिक करेंगे और ये पेयरिंग के लिए रेडी है। जैसे ये पेयरिंग के लिए रेडी होगा, इसका सिग्नल यहाँ से मिल जाता है, तो इसमें आता है पेयर। हम लोग पेयर के ऊपर क्लिक कर देते हैं। ओके, तो पेयरिंग हो गया है दोस्तों, देख सकते हैं। अब इसमें से म्यूजिक बल्ब में से, ब्लूटूथ बल्ब में से साउंड भी आया था। जब ये कनेक्ट हो जाता है तो साउंड भी आता है इसके अंदर से। तो आइए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं कि इसमें से गाना कैसे बजता है। तो आपके जो भी आपका मोबाइल है, मोबाइल के अंदर आपको जो भी ब्राउज़र आप यूज़ करते हैं या फिर म्यूज़िक के लिए जो भी यूज़ कर, मैं यहाँ पे यूट्यूब यूज़ करता हूँ। तो अब देख सकते हैं दोस्तों कितना बेहतरीन ये, अभी जो आपको आवाज़ आ रही है ये मोबाइल से नहीं आ रही दोस्तों, ये अभी जो आवाज़ आ रही है आपको इस बल्ब से आ रहा है। तो दोस्तों देखा कि आपको इस बल्ब में से जो भी अभी गाने इसके अंदर बज रहे थे, जहाँ पे मैं मंत्र बजा रहा हूँ, तो ये मंत्र जो है इस बल्ब में से आ रहा था आवाज़। अब देखा था बहुत अच्छा है ये, अपने मंदिर में लगाने के लिए या फिर कहीं पे नाइट लैम्प के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं। और दोस्तों इसके अंदर जो रिमोट है, रिमोट के खास बात यह है कि जो रिमोट आपके पास है उसमें से बहुत सारे कलर्स दिए, तो आपको बल्ब का जो भी अभी जैसे कि वाइट कलर है, आपको बल्ब का कलर चेंज करना है लाइट का, तो आप डायरेक्टली कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे पर्पल किया है, तो जो भी बल्ब था वो अभी पर्पल कलर का हो गया है। वैसे मैं नेक्स्ट अलग कलर करता हूँ, मुझे भी मानो पिंक पसंद है, तो ये पिंक दबाया तो इसका कलर पिंक हो गया। अभी इसको जैसे रेड करना है तो ये रेड हो गया। तो इस तरह से ये काम करता है दोस्तों। इसके अंदर ऑन ऑफ का भी स्विच दिया हुआ है, तो मतलब आपका है कि यहाँ से डायरेक्टली बल्ब, अभी क्या होगा कि बल्ब बंद रहे हो जाएगा, मतलब इसकी लाइट बंद हो जाएगी, लेकिन इसके अंदर जो स्पीकर है वो स्पीकर तो बजेगा ही। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। बस
तो देखा दोस्तों कितनी अच्छी चीज है ये, आप अपने बेडरूम में लगा सकते हैं, आप मंदिर में भी लगा सकते हैं इसको, और म्यूजिक भी चला सकते हैं, और ये एक तरीके का लैंप का भी काम कर सकते हैं। और दूसरा देखिए दोस्तों, इसके अंदर एक दूसरी अलग स्विच है फ्लैश करके, तो फ्लैश स्विच जब आप दबाएंगे तो इसके अंदर क्या होगा कि सब कलर अपने आप चेंज होते रहेंगे। मैं आपको एक बार करके दिखा देता हूँ, जैसे फ्लैश है, मैं यहाँ पे फ्लैश दबा देता हूँ, तो देखिए दोस्तों ये जो भी कलर है ऑटोमेटिक अपने आप चेंज होते रहते हैं। तो देखा दोस्तों कितना बेहतरीन चीज है ये, इसका नाम है म्यूजिक बल्ब, आप इसको ब्लूटूथ बल्ब भी बोल सकते हैं। तो बहुत ही यूजफुल चीज है, आप अपने घर में इसको लगाएंगे, आप अपने घर में, ऑफिस में, कहीं पे भी इसको लगा सकते हैं। और साथ में ये बल्ब के साथ में तो एक स्पीकर का भी काम करता है, ब्लूटूथ स्पीकर का भी काम करता है ये। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लेके आएंगे AC-DC राउंड बल्ब, जो AC-DC इमरजेंसी बल्ब होता है और राउंड ड्राइवर के अंदर जो आता है, नेक्स्ट वीडियो हमारा वो रहेगा। और आप यदि ये वीडियो मिस नहीं करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जब भी हम ये वीडियो राउंड बल्ब का लेके आएंगे AC-DC का, तो उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों, और इस वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। चलिए तब मिलते हैं कुछ नए वीडियो में, नई इन्फॉर्मेशन के साथ में। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।